बोलिए भगवान महावीर स्वामी के। शासनिस परमात्मा प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदना। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा मेरी माताओं, प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भगवान महावीर स्वामी की यह श्रेष्ठतम अध्ययन रूप जो त्रध्यन सूत्र है उसकी वाचना का श्रवण लाभ आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम विधिवत उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान महावीर स्वामी की यह स्तुति यह गीत आप सभी भी साथ में बोलने का प्रयास करें। पुच्छे सुनम समणा महणाय अगारिणो यह परते थिया सेके इने गंत ही अधम माहो अड़ेल संसाहु समेखयाय कहम चनाणम कह दंसणम से सीलम कहम नाय सुयस्यासि जाड़ा सिणम भेखु जहात हेणम आहा स्वयं बोलि जहानि संतम खेयं नहे से कुसले महे से अनंत नाणि अनंत दंसि जसन सिणो चखु पहेठियस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि उढ़ं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेठावर्जेयपाणा सेणे चणे चेहि समेखपन्ने देवेव धम्मं समयं उदाहु से सौवदंसे अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं थियपा अणोत्तरे सर्वजगन्से वेज्यं गन्धा अतीते अभयणौ से भूय पन्ने अण्येऽचारे ओहन्तरे धीर्यणन्तचक्षु अणोत्तरे तापै सूर्येवा वैरोयणिन्देव तमं पगासे अणोत्तरं धम्ममिणं ज्ञानं नेया मुनिकास्वसुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेता दिविनं विसिट्ठे से पन्नया अखय सायरेवा महोदहेवाव्यनन्त पारे अणाय लेवा अकसाय मुके सकेव देवाहि वै ज्वीमं सेवीणं परिपुण्यवीर्ये सुदं सनेवानगसर्वसेठे सुरानयवासि मुदागरे विराय मेघगुणो वे स्वयं सहसाण उजोयणानं तिकण्डके पण्डगे जयन्ते से जोयणे
से उद्दोषित हो हेत सहस में गम उठे न भेचे तै भूमि वट्टिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम वन्ने बहुनंदनीय जंसि रहि वेदयन्ति महिंदा से पौवै सद्य महपगा से विरायै कंचन मठ वन्ने अनुत्तर तिरुसुय पव दुग्गे गिरिवरे से जनिये वभोमे मही मध्यमे ठीयेन गिल्ले पन्नायते सूर्य सुधले से एवं शिरीय उस भूरि वन्ने मनोरमे जो माली सुदंसन से वजसो गिरिस पवचय महतो पवयस एतो अमे समण नाय पुते जाए जसो दंसन नान शिले गिरे वरेवा निसहायानं रुए वन्यायतानं तो अमीशे जग भूई पन्ने मुनीन मध्येत मुदाहु पन्ने अनुतरं धम्म मुईरैता अनुतरं जानवरं धियाई सुसोक सोकं अपगंड सोकं संखेंदु एगंड वदात सुकं अनुतरंगं परमं महेशी असेस कमं सविसोहेता सिद्धिं गति साय मनांत पत्ते नाने सिने निजदं रुखे सुनाए जह सामलीवा जंसि रहि वेदयन्ति सुवन्ना वणि सुवानन्द माहु सेठा नाणेन सिने निज भूइ पन्ने तनियैव सद्दा अनुतरे चंदो वतारान महानुभावे गंदे सुवा चंद महुसेठं एवं मुनीनं अपनेन माहु जहासयंभु उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठे खो दैवार रसवेजयंते तवो वहाने मुनिवेजयंते हथे सुहेरा वन माहुनाए सिहो मियाणं सलिलान गंगा पखे सुवागर रोणे देवे निवाण वादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जह वीस सेने पुफे सुवाजर अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वक्के इसीन सेठे तहवध माने दानान सेठं अभया पयानं सचे सुवान वज्जं वयंति तवे सुवावोत्तमं बचेरं लोगोत्तमे समणनाय पुते थीन सेठा
लव सतमावास सुहमावस सभान सेठा निवान सेठा जह सब धम्मा नैनाय पुता परमत नानी उढ़ेव में धुनय विगय गहे ने सन्ने को आसुपन्ने तरियों समुद्रं महाभोगं अभयं करे वीर अनंत चक्षु को हम च मानं चतहेव मायं लोभं चौथं अजत दोषा ए आनिवंता अरहा महेशे ने को वै पावन कारवे क्रिया क्रियं व्रियानुवायवायं अनानियानं पड़्यच्छठानं शेसववायं इवे संजम देहरायं सेवार्याति सराय भक्तं उहानं दुखयाठ्याये लोगं विदिता आरं परंच सवं पभुवार्य सववारं सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं अठ पदो वसुद्धं तम सद्यहाना ये जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमि संति इंदेव देवा हिव आगमि संति ते बेमि उत्तराध्यान का दूसरा अध्ययन है परिशह प्रविभक्ति विभक्ति का तात्पर्य होता है बंटवारा या प्रकार और परिशह का मतलब होता है जिन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का जो सहज ही हमारे जीवन में आना और जाना होता है लोग आत्मा की महत्ता नहीं समझते स्वयं को महत्वपूर्ण नहीं जानते इसलिए संसार के लिए तो रोते हैं परंतु भगवान के लिए धन के लिए परेशान होते हैं परंतु धर्म के लिए सांसारिक उपलब्धियों के पीछे अपना खून पसीना एक करते हैं परंतु आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए दुनिया में अगर सफल होना है तो उसके लिए दिन और रात एक करते हैं परंतु अध्यात्म के लिए उसके लिए टाइम नहीं है उसके लिए शक्ति नहीं है उसके लिए मन नहीं है परंतु आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये दुख केवल और केवल साधु के जीवन में आते हैं सभी इन दुखों से घिरे हैं किसी न किसी रूप में कभी न कभी यह हमारे जीवन में चाहे हम हों या आप हों सबके जीवन में ये स्थितियां घटित होती हैं परंतु सांसारिक लोग इनसे भागने की कोशिश करते हैं अज्ञानी इनसे दूर जाने की कोशिश करता है इनसे बचने की कोशिश करता है और ज्ञानी ये सोचता है वो अपने आत्मा में अपने ज्ञान में अपने स्वभाव में इतना लीन है कि वो इनकी फिक्र ही नहीं करता हो तो भी ठीक है और न हो तो भी
तो भी ठीक है। परिशह का मतलब होता है परिपूर्ण ढंग से सहन करना, पूरे तरीके से सहन शक्ति को अपनाना। और अध्यात्म के लिए धैर्य के साथ सहन शक्ति का होना यह सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप में सहनशीलता नहीं है तो आप दूसरे ही दिन, अभी एक बच्चा मिला, उन्होंने एक दिन दया की तो दूसरे ही दिन आया और कहने लगा कि गुरुजी आप लोगों की हिम्मत है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे हमें तो एक दिन में ही पता चल गया कि मांगना किसको कहते हैं। कह रहे पता नहीं, आप तो जीवन में भर यही करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा कठिनतापूर्ण कार्य है या ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन जीवन है। पर याद रखो कि कठिनता में आप भी हैं, कठिनता में हम भी हैं। परंतु कठिनता किस में? क्योंकि आपको लगता है कि भैया यहाँ मुझे धन मिलेगा, तो धन मिलने की लालसा में, उसकी आशा में आप अपना जीवन तक खतरे में डाल देते हो, तब वहाँ आपको कठिनता नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक भीतर में लालसा, एक आशा की किरण है कि भैया आज अगर कठिनता सहन कर लेंगे, आज थोड़ा दुख सहन कर लेंगे, कल हमें क्या मिल जाएगा? कल हमें धन की उपलब्धि हो जाएगी, कल हमें सफलता मिल जाएगी। परंतु अध्यात्म के मामले में जब तक आपके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास न हो, जब तक ऐसी सहनशीलता के लिए आपका मन तैयार न हो, तब तक जीवन में धर्म की सुगंधि पैदा नहीं होती, अध्यात्म के फूल नहीं खिलते, परमात्मा की करुणा नहीं बरसती। तो इसलिए ये परिशह प्रविभक्ति, जिसमें 22 परिशहों का वर्णन भगवान महावीर स्वामी ने किया है, उन्होंने यही कहा कि परिशह जीवन में जब भी आए तो ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनको सहन करके अपने अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो सहनशीलता से आगे बढ़ते हैं वही आखिरकार मुक्त होकर भगवान की श्रेणी में पहुंचते हैं। तो अब हम इसके पहले इसकी गीतिका को लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। 22 परिशह वीर कहते भिक्षु उनको जान ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले, मार्ग च्युत न हो कभी भी कष्ट के दुर्भाव से, सहन क्षमता से करे वो कर्म क्षय के भाव से, सहन क्षमता से करे वो कर्म क्षय के भाव से, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रभु ने जो परिशह बतलाए, जिन्हें जान करके भिक्षु संयम से न घबराए, बार बार उनसे परिचित हो अविचल भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। 8वां सूत्र। जीर्ण वस्त्र के होने पर यह सोच नहीं है हित कर, वस्त्र रहित हो जाऊंगा मैं रखे भावना डर कर, यति धर्म का पालन करके भय को मन से निकालो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। 11वां सूत्र राग द्वेष को छोड़ के विचर रखे न कोई ममता एक जगह पर टिके नहीं वो विचरे रख कर समता निर्लिप रहे वो गृह जनों से तोड़ मोह को डालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन। 12वां द्रव्य भाव से रहे अकेला चपल वृत्ति का वर्जन त्रास नहीं दे अन्य जनों को कष्टों से ना कंपन चिंतन कर ले अविचल हूँ मैं एक अकेला चलो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। 14वां सूत्र कोई क्रोध करे भिक्षु पर उस पर रोष न करना तिरस्कार हो अपशब्दों से मौन भाव ही रखना मन में नहीं बसाए उसको वैर भाव बिसरा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। 15वां पीटे जाने पर भी मुनि जन क्रोध द्वेष ना करते क्षमा धर्म को श्रेष्ठ जान कर प्रतिशोध को हरते मार पीट से जीव न मरता चिंतन यही धरा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। 23वां व्यर्थ हुआ मैथुन से निवृत व्यर्थ बना व्रत धारी नहीं जाना प्रत्यक्ष में मैंने धर्म शुभ शुभ कारी व्रत से मम अज्ञान मिटा नहीं ऐसा चिंतन टालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। 25वां आखिरी
दुख सहने को परिसर सारे वीर प्रभु ने बतलाए। मिले कभी तो भिक्षु उनसे नहीं पराभव पाए। मर जय बने सब भिक्षु साधु धर्म निभानो जीवन धन बनालो जीवन धन बनालो वीर प्रभु की अमृत वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन बनालो जीवन धन बनालो। अब हम मूल पाठ लेंगे। नमो थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य स्वयं आवसम तेणम भगवया एवं मखायम एह खलो बाविसम परिसह समणेणम भगवया महावीरणम कास्मेणम पवेह्य। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायरियाय परिवयन्तो पुट्ठो नो विनिहनेजा कैर्य खलु ते बाविसम परिसह समणेणम भगवया महावीरणम कास्मेणम पवेह्य। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायरियाय लिखा यरियाय परिवयन्तु पुट्ठो न विनिहनेजा इमे खलु ते बाविसं परिसह समणेणं भगवया महावीरणं कास्मेणं पवेह्य। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभो लिखा यरियाय परिवयन्तु पुट्ठो न विनिहनेजा तंजहा। दिगिंछा परिसह पिवासा परिसह सीय उसिन दंस मसक अचेल अरय इथि चरिया निसिह्य सेज्जा अकोस वह जायणा अलाभ। रोग तणफास जल सकार पुरस्कार पन्ना अन्नाण दंसन परिसह। परिसहाणं पवे भृति कासवेणं पवे या तंबे उदारि साम्याण भुवन सुणे। दिगिंछा परि गए देह तव शिविको धाम वम छिंदे न छिंदा वय न पय न पयावय। काले पवंग संकासे की से धमणि संताय मायण असन पाणस अधीन मनसो। तव पुठो पिवासाय दुबर छिलज जय शिव लगम न से विद्या वियडस्य शरणम चरे छिन्नवाय सुपंथे सुहाउरे सुपिवासिये परि सुख मुहादिने तम तिथिखे परि चरंतम वीरयम लोहम सीयम फुसाई गयाणाय वेनम मुनि गच्छे सोचाणम जीर्ण शासन नैमे निवारणम अति छविताणम न विद्याय। अहम तो अग्निम सेवामि विखुण चिंताय उसीनं परियावेनं परिदायन तजिये घिंसुआ परियावेनं सायं नो परिदेवाय। उन्नाहि तत्तो मेहावे सीनानं नो विपथाय गायं नो परिसिंचे जानो लिये जाए अपेयं। पुठो यदं समसेहिं समरेव मामोनि नागो संगाम सिसेवा सुरु अभिहने परं न संतसे न वारे जमनं पिन पौसाय। ओए नाणे पाणे भुञ्जन्ते मंस सोणियं परिजुन्ने बथे मुखामिति अचिलय अदुआ सचिले हुखामि भिक्खुना। ए गया चिलय होइ सचिले आवि ए गया इयं धम्ममियं नच्चा नाणेनो परिदेवाय। गामानो गामं रियन्तमान गारम किञ्चन मरायणुपवेश जातं तिथिखे परिसहम। आरायं पिठाओ किच्छा वीरयाय रखिये धम्मा रामे निरारंभे उवसंते मुनिचरे। हे संगो एस मनुष्याणं जाओ लोकमेथियो जसे अपरिन्नाय सुकडं तस्य समणम् एव मादाय मे हावि पंक भूया। नोताय वीणी अन्य ज चरे जत गवे एक चरे लाडे अभिभूय परिसरे। गामे व नगरे वावे निगमे वारायणे असमाणे चरे भिक्खु नेव कुजा पारे गहम असंसतो गिहते मणि उपरि वाय। सुसाणे सुन्न गारे वारो
दुख मुने वैग अकुकुवनि सीजनयवितासय परम तथ से चिठ मानस उसंगा विधाराय संका भीयुन गच्छे जा उठेता अनमसनम उच्चवयाहिं से जाहिं तवसि विकोथाम नाय वेदं विहन्ने जपाव दिठि पैरिको अस्यम लद्धुं कल्लाणं मधुवा पावयं किमिगरायं करिसाय एवं तथा ही आसाय अको सेज परे भिक्कुम नेते सी पड़ी संजले सरिसो होए बालाणं भिक्कुतं मन संजले सोचाणं फरुसा भासा दारुणागम कंटगा तुसिणियो वे जानता उमणसी करे हो न संजले भिक्कुमणं पिन पौ सय तिटिकं परमं नचा भिक्कु धम्मं समयरे समणं संजयं दंतं हणिज कोई कथय नथि दिवसना सुते एवं पेज संजय दुक्करं खलु भोनिच्चं अनगारस विकुणो सवं से जायं होई नथि किंचि अजायं भोय रग्ग पविठस पाणिनो सुप्रसारय सेव आगार वसुते अभिकुण चिंतय परिसुघास में से जब होय निपारिणि टिय लदे पिंडे लदे वानानु तपेज पंडिय अजीवाहं न लभामि अविलाबो सुये सिया जो एवं पड़ी संचिखे अलाबो तम न तजय न चाउ पहियं दुखं वेणाय दुहटिय अधिनो ठावाय पन्नम कुटो तत ही असय ते गिच्छम नाभि नंदे जा संचिकथ गवेशय एवं पुतस समन्नम जमन कुजन कारव अचेल गसलो हस संजय सतव सिणो तणे सुसय मनस उजागाय विरा आय वस निवायनम अवला हवाय वेयण एवं नचान सेवंति तंतु जमतन तजिया किलिन गाय में हवि पंकेन वरेण वघिंसु अपरिया वेणम सायम नो परिदेवाय वेजन जरा पे आर्यम धम्मं उत्तरम जाओ शरीर पे उत्ति जलम कायण धारय अभिवायण मबोठाणम स्वामी को जाने मंदाणम जेताय पड़ी सेवंती ने ते सिंपिहाय मुनि अनुपसाई अपिछे अन्ना ऐसी अलोलुये रसे सोनाणु गिजे जानाणु तपेज पन्नेवम सेनूणम माए पोवम कमाणा फला कड़ा जेना हम ना भी जाना में पुटो नई कन्नोए अह पछाओए जंती कमाणा न फला कड़ा एवं असासी अपानम नच्चा कम विवागयम निरतकम गीरो में उनाओ सुसंगुडो सुसकम ना भी जाना में धम्मम तलान पावगम तवो वहान मादाय पड़ी मपड़ी वज्जाओ एवं विहराओ में छाओ मन नियताय नथिनूनं परेलोए देवावितवसेनो अदुवावंचियो मित्तिवी अभिखोन चिंताय अभुजेना अथिजेना अदुवाविभावि मोसं देव महंसु अभिखोन चिंताय ए परिसहसवे कासवेन पवे अजे भिखोन विनिहनेजा पुटो केनय कन्होई तिविगेनी तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय चतुः अर्थात चार अंगीय अर्थात अंग जो चार अंग जीवों को भगवान ने परम दुर्लभ बतलाए हैं उन चार अंगों की इस अध्ययन में चर्चा है जैसे मनुष्यत्व का मिलना श्रुति अर्थात धर्म श्रवण की प्राप्ति का होना जो सुना है उस पर विश्वास का श्रद्धा का जमना और जो श्रद्धा मन में जमी है उस श्रद्धा के अनुसार जीवन में संयम में चारित्र में सदाचरण में पराक्रम और पुरुषार्थ का होना ये जो चार चीज़ें हैं इनको भगवान ने परम दुर्लभ अंग बताया है कि पहले तो इनकी उपलब्धि का होना और उपलब्धि होने के बाद इनकी दुर्लभता का जो मन में बोध है उस बोध का जगना ये परम दुर्लभ बात है। याद रखिएगा यहाँ पर जो शब्द है वो मनुष्यत्व है मनुष्य होना नहीं क्योंकि चोले से तो बहुत सारे लोग मनुष्य हैं परंतु भीतर
पशुता भरी पड़ी है, भीतर दुर्गति के भाव भरे पड़े हैं, भीतर दुष्कर्म के भाव भरे पड़े हैं, तो जो हिंसा में, जो ईर्ष्या में, जो मोह और आसक्ति में डूबे हैं, वो चोले से बेशक इंसान हो पर तो इंसान इंसान नहीं है। तो मनुष्यत्व का जो भाव है उसका होना ये परम दुर्लभ है। दूसरा, धर्म श्रवण का मिलना, कि मनुष्यत्व के भाव के बाद धर्म श्रवण के प्रति लगन भी उन्हीं को जगती है जिनको अपने इस मनुष्य चोले के महत्ता का, इसके महत्व का पता होता है। कहते हैं ना कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, कि मिला है तो इसलिए इसका महत्व समझ में नहीं आता, परंतु एक दिन जरूर समझ में आने वाला है। और वो दिन कौन सा होगा? जब आखिरी सांस ले रहे होंगे तब पता चलेगा कि इतनी बहुमूल्य संपत्ति हाथ में आई थी और हमने क्या कर दिया, ऐसी ही गंवा दिया। तो धर्म श्रवण के प्रति श्रद्धा का जगना, भाव का आना, ये भी दुर्लभ है। वो जो सुना है उस पर यकीन का जमना, उस पर विश्वास होना, ये भी दुर्लभ है। और जो श्रद्धा है उस श्रद्धा पर वैसा आचरण करना, ये भी क्या है, दुर्लभ है। तो ये तीसरे अध्ययन में इन चार अंगों की दुर्लभता का वर्णन किया गया है, पहले गीतिका उसके बाद मूल पाठ। परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भव और धर्म सुनना श्रद्धा संयम वीरता, सरल बन करके अहिंसा की करे आराधना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चार अंग दुर्लभ प्राणी को मुक्ति के हित कहते, मानव भव सधर्म श्रवण और धर्म श्रद्धा रखते, संयम में पुरुषार्थ जगा कर जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जग में प्राणी कर्म कमा कर विविध गति में जाता, कभी असुर तो कभी नरक में कभी देव गति पाता, कभी छात्र कुल कभी अधम कुल, आवागमन मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। छठा सूत्र, सरल हृदय की शुद्धि होती धर्म वही टिक जाता, घृत से सिंचित अग्नि सम वो आत्मदीप्ति को पाता, दूर करो सब कर्म के हेतु उच्च गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी।
वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन। नौवा सूत्र धर्म आराधक होने से वे निर्मल बोधे पाते विरति रूप चारित्र पाल के बाकी कर्म खपाते दुर्लभ चार अंग को पाकर शाश्वत मुक्ति पालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। अब मूल पाठ चत्तारी परम गाणी दुल्ले हाड़ी हजन तुणो माणो सत्तम सोई सदा संयम मिय वीरियम सम्मान संसारे नाना गोता सुजाई सुकम माणा विहा कटु पुढो विसमय पया गया देव लोए सुनरे सुवे गया ए गया सुरम कायम आहकमेनी गया खतियो होए तव चंडाल बुक सुतो कीड़ पयंगो ये तव पंथो पिविनिया एव मावट जोनी सुपानी नो कमक विसने निविजंती संसारे सवठे सुव खतिया कम संगे समुड़ा दुखिया बहु वेण अमाणु सासु जोड़ी सुविणी हम मंदी पाणी नो कमाणम तो पाणाए आनु पुविकाया जीवा सुहि मणु पत्ता आए अंति मणु संयम मणु संविग्रहम लद्दुम सोई धम्म से दुल्लाह जम चपड़ी भजंती तवम कंति मई संयम आहच सवणम लद्दुम सद्धा परम दुल्लाह सोयम चलद्दुम सद्धम च वीर्यम पुनः दुल्लहम भवे रोय माणा विनोयणम पणि वज्जय माणु सत्तमे आयाउ जधमम पणि सद्दय तवसि वीर्यम लद्दुम संवूढे निर्धुणे रयम सोई उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध सचिठाय निर्वाण परमं जाय घाय सित्तिव पवय रिगिंच कम्मुणो हेवं जसं संचिणु कंतिये पाडवं शरीरं हिचा उड्ढं पक्कमाय दिशं विसालिसे सिलेहं जखा उत्तर उत्तरा महासुकावधि पंता मन्नंता पुणच्चवं अप्पिया देव कामाणं कामरुव विउतीणो उड्डं कप्पे सुचिठन्ति पुवावास साया बहु तठठिच्चा जाढाणं जखाओ खाये चुयाओ इंदे माणु समजोणिं सिद्धं सगे जाये खेतं वत्थं हिरण्यं च पशवो दासकोरुषं चत्तारि कामखण्डानि तथ सेवो वज्जय मित्रवं नायवं होय उच्चागोय यवन्नवं अपायं के महापन्ने अभिजाय जसो बले भोचा मनुषाय भोय अपरि रुवे आहुयं पुवें विशुद्ध सद्ध मे केवलोय बुद्धिया चाऊरंगं दुलहं नच्चा संयम बड़े वज्जिया तव साधु यकमन से सिद्धि हो हवै ससैति देनी। आज की वाचना यही परिपूर्णता पाती है। अब हम आलोचना का पाठ पढ़ेंगे। श्री आगमे तिविहे पन्नते तंजह सत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एह व श्रीज्ञान के विषय जो को यदि चा लग होते में आलो जमवा एकदम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पय हिणम विणय हिणम जोग हिणम घोष हिणम सुठो देनम दुट्ठो बड़ी छिन्नम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम जो मे देव से अयारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़।
भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी का रसास्वादन किया, अमृत पान किया। जिन वाणी को मधुर कंठ से गाने के लिए मैं अपने लाडले ऋषि मुनि को दिल से शाबाशी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, हृदय मिठास से भरा हो, मानस श्रद्धा से भरा हो, महावीर हृदय में मौजूद हो तो वाणी में महावीर ही आता है। अब हरिश्चंद्र के चरित्र की ओर, क्योंकि इसको भी पूर्ण करना है, उसके लिए पहले ओम का उच्चारण, और ओम के उच्चारण के लिए कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओ शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी के। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज के। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज के। बोलिए जैन धर्म की, बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन के निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आध्यात्मिक चात्रमास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, ओली तप की जप आराधना में संलग्न मेरे सरल आत्मा महाश्रवण भन्ते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में सत सत वंदन करता हूं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के सौभाग्य की सराहना करता हूं। कि चेतना के इस देह में रहते हुए अपने चैतन्य प्रभु भगवान महावीर की अंतिम वाणी आप सुन रहे हैं,
वो जिस रास्ते से चलते हुए गृहस्थ में रहते हुए जिन्होंने सत्य की अद्भुत आराधना की, ऐसे महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की जीवन कथा से आप परिचित हो रहे हैं, उसका भी आप अमृत पान कर रहे हैं। चरित्र प्रारंभ करूं उससे पूर्व जो पंक्तियां हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं और गाते हुए आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देते हुए श्रद्धासिक्त अब तो सुनते सुनते कुछ पंक्तियां याद भी हो गई होंगी, उनको गाना प्रारंभ कीजिए अपने हृदय के साथ। धर्म न दोजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी थे मिलेगी आए, तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार, हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झणकार, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग शनिवार के दिन राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में वहां तक सुन रहे थे जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से माफी मंगवाने के लिए एक दाव खेला। उसकी नजरों में एक बात होगी कि सत्यता की ऊंची ऊंची बातें वही लोग किया करते हैं जो राजगद्दी के ऊपर आराम से बैठे हैं, लेकिन जब किसी की जमीन छीनी जाती है तो जमीन छीनने के बाद जब किसी का जमीर हिलता है तो उस समय सत्य की बातें धरी की धरी रह जाती हैं। बस यहीं पर विश्वामित्र हरिश्चंद्र को जानने से चूक गया। तू संत होते हुए भी आज भी तेरे लिए गद्दी का महत्व है,
क्योंकि तभी मांगी होगी उसने गद्दी, क्योंकि वो भी कभी राजा था, लेकिन राजा से सन्यासी बना, लेकिन राज गद्दी का जो नशा था वो शायद उतरा नहीं होगा। आज भी उसके दिल दिमाग पर एक बात होगी कि मैं राज्य का त्याग करके साधु बना, क्योंकि जो अपने त्याग को याद करता है उसने अभी त्यागा नहीं है। त्याग तो वो होता है जो त्याग करके भूल जाता है, उसी को ही त्याग कहते हैं। यही सोच करके बोला, और बोलते ही बड़ी प्रसन्नता के साथ माटी का पिंड, जल की झारी और ऊपर रख दिया है मुकुट, और देने के लिए हो गया है तैयार। विश्वामित्र ने सोचा कि मेरा यह भी दाव खा ले गया। ओह, मैंने तो सोचा था माफी मांगेगो, लेकिन माफी मांगनी तो दूर, अपनो राज्य भी देने को तैयार हो गया। लगता है विश्वामित्र तो अच्छे मुहूर्त में आश्रम से निकलो नहीं। हाँ, या क्रोध के अंदर और अभिमान के अंदर मैं हरिश्चंद को, असली स्वरूप को देख नहीं पाया। पर लेकिन करे क्या, अब भरी सभा का मामला है, भरी सभा में याचना की है, लेऊं तो मर गया, नहीं लेऊं तो मर गया, क्या मुसीबत में फंस गया। अब राजा हरिश्चंद देने को तैयार हो गए, तो आपने सुना था जैसे ही वो राज्य का दान देने के लिए आगे बढ़ा, विश्वामित्र दो कदम पीछे हटा और कहा, रुक रुक, राजन सोच समझ ले मन में, राज्य दान करने के बाद क्या कुछ बच पाएगा, हटकर होता है क्यों तू बर्बाद। सोच ले, रुक जा, रुक रुक, जरा सोच। ये सोच कि राज्य का दान देने के बाद तेरे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं। जिद मत कर, इस जिद के पीछे तू बर्बाद हो जाएगा। मैं साधु हूं, दया भाव में आकर तुझे एक सुझाव दे रहा हूं, जिद मत कर, पांव पकड़ ले, माफी मांग ले, एक बार अपने मुंह से बोल दे कि गुरुजी, मैंने उन अप्सराओं को छोड़कर बहुत बड़ी गलती, बस इतनी सी तो बात, ये माफी नहीं मांग सकता तू। जब बर्बाद होने की बात आई तो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा ने क्या जवाब दिया, बुरे कार्य में यदि देता तो करता फिर कुछ सोच विचार, दान दे रहा वे भी ऋषि को, फिर क्या है अविचार विचार। कि गुरु महाराज, अगर मैंने ये दान किसी जुआरी को दिया होता, किसी व्यभिचारी को दिया होता, किसी औरत की चाहत में गुलाम होकर के दिया होता, तो एक बार जरूर सोचता। आप जैसे महर्षि ने, आप जैसे विश्व प्रसिद्ध ऋषि ने राज्य की याचना की और मैं ना दूं, ये नहीं हो सकता, इसके ऊपर मैं विचार करता ही नहीं। और सुनो गुरुदेव, धन वैभव का त्याग कभी मैं, ये विश्वास है, इसको कहते हैं विश्वास। और ये विश्वास उनमें ही पैदा होता है जिनके लिए आत्मा मुख्य होती है और सत्य है। आत्मा मुख्य होती है, संसार गौण होता है, सत्ता गौण होती है,
उनके ये विचार है। धन वैभव का त्याग कभी में हो सकता बर्बाद नहीं, हटना सत्य है इसके होते हो सकता परिवाद नहीं। गुरुदेव ये हठ नहीं है, ये सत्य है, ये कोई जिद नहीं है, ये भक्ति है। और भक्ति में कभी कोई बर्बाद होता ही नहीं है। भूमि पिंड को कर में ले दानार्थ हुए प्रस्तुत जो ही, मंत्री और सभासद नृप के सम्मुख हुए खड़े त्यों ही। जैसी वो आगे बढ़ा वैसे ही मंत्री महोदय पूरे सभासद हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के बीच में खड़े हो गए। जितने भी सभासद हैं यानी मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अधिकारी गण हैं, वो राजा हरिश्चंद्र की तरफ मुख करके और विश्वामित्र की तरफ पीठ करके, क्योंकि बीच में आ गए ना, और मुंह किसकी तरफ है? हरिश्चंद्र की तरफ। और सभी हाथ जोड़ करके एक विनती करने लगे, महाराज क्या करते हैं इस भांति कहीं भी होता है, परंपरागत सिंहासन को क्या कोई यूं खोता है, कौशिक जैसे क्रोधी ऋषि के हाथों क्या दुर्गति होगी, प्रजा तड़प कर मर जाएगी ये भी तो दुष्कृति होगी, मामूली सा प्रसन्न नहीं है राज्य दान का कंटक मग, सोच समझ कर चलिए सहसा करने से हंसता है जग। सभासदों ने जो जानते थे अपने राजा की कीमत क्या है, उनका दिल कैसा है, और हो सकता है इसमें उनका स्वार्थ भी हो सकता है, क्योंकि जब विश्वामित्र राजगद्दी पर बैठेगा हम सबकी तो छुट्टी हो ही जाएगी, क्योंकि जो जो भी हरिश्चंद्र का विश्वासी है उन सबको हटा देगा, और जो अपने चेले चाले आए घोटम घोट वाले इन सबको राजगद्दी अपना अधिकारी उत्तराधिकारी जो भी कुछ है सभासद बना देगा, ये हो सकता है बस। पर लेकिन उनकी दृष्टि है कि गुरु राजन क्या कर रहे हो आप, इशारों इशारों में कहा क्या कर रहे हो आप, भयानक आदमी, क्रोधी आदमी, तुम्हारी जनता जिस जनता को आपने बच्चों की तरह पाला है। विश्वामित्र की क्रोध की अग्नि में पूरी अयोध्या जल जाएगी, कहीं ऐसा ना हो अच्छा काम करने चले और कहीं बुरा ना हो जाए। और जो परंपरागत सिंहासन है यानी रघुकुल की गद्दी है, ये रघुवंश की गद्दी है, इस गद्दी के ऊपर कोई और बैठे ये अच्छा नहीं होता। एक बार विचार कर लो, एक बार विचार कर लो, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी करने वालों पर लोग हंसा करते हैं, क्योंकि राज्य का दान देने के बाद कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ इशारों में, कुछ बुदबुदा करके, कुछ इशारों की भाषा में हरिश्चंद्र को सभासदों ने बोला, निवेदन किया। उस वक्त क्या बात है, क्या जवाब दिया? आप मौन नहीं रहे व्यर्थ मत बाधा डालने शुभ कृति में, हरिश्चंद्र का राज्य जा रहा नहीं किसी भी दुष्कृति में, आप सोचिए अपने प्रण से क्षत्रिय कैसे हट सकता, वैभव से कर्तव्य बड़ा है सत्य नहीं अब मिट सकता, सूर्य वंश का गौरव इससे जग में युग युग फैलेगा, हंसने का क्या काम सत्य का जग आदर्श पकड़ लेगा, सौंप रहा हूं राज्य धुरा को योग्य पात्र के दृढ़ कर में,
कष्ट प्रजा को क्या होना है, करे न संशय अंतर में। कौशिक ऋषि पहले राजा थे, अब अति घोर तपस्वी हैं। नहीं देखते क्या तुम कितने लोचन युग्य तेजस्वी हैं। तुमको तो एक साथ मिलेगी महाभाग्य से सुंदर सृष्टि, भूपति का वीरत्व तपस्वी योगी की भी अंतर दृष्टि। क्या जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने अपने सभासदों को कि मौन हो जाइए, बोलना नहीं। मैं इस सभा के अंदर किसी का अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सभासद हरिश्चंद्र के सामने किसकी बुराई कर रहे थे, विश्वामित्र की, उसकी क्रोध की चर्चा कर रहे थे। लेकिन क्या गजब की बात है, अपनी प्रशंसा सुनकर के भी इतराया नहीं और दूसरे की निंदा सुनकर के दिल रो पड़ा। ये देखिए, ये है क्वालिटी ऑफ हार्ट, क्वालिटी ऑफ रिलीजन, क्वालिटी ऑफ ट्रुथ। ये सत्य की गुणवत्ता है। इसी गुणवत्ता ने बड़े बड़े ज्ञानियों को लिखने को, बोलने को मजबूर किया है हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र पर। कहा कि मौन, बोलना नहीं, और दिमाग से निकालो इस बात को कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, यह राज्य किसी गलत के हाथों में जा रहा है, ऐसा सोचना भी नहीं। और दूसरी बात, जिस खानदान के अंदर हमारा जन्म हुआ है वहां जवान की कीमत होती है, जिंदगी की नहीं। वहां प्रण की कीमत होती है, प्राणों की नहीं। कोई हमारे पास आए, ये तो राज्य है, अगर कोई मेरी जिंदगी भी मांगता तो जिंदगी भी दे देता मैं। कोई मांगने वाला तो मांगे। तुम कहते हो कि दुनिया हंसेगी, नहीं, क्योंकि जब मैं गलत कर ही नहीं रहा तो दुनिया हंसेगी क्यों? अगर सही करते हुए भी दुनिया हंसती है तो हंसने दो, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे अपना वैभव नहीं देखना, अपनी सत्ता नहीं देखनी, मैंने अपना सत्य देखना है। मेरे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए सत्य महत्वपूर्ण है। ये देखिए, सत्ताधीशों के अंदर सत्य के प्रति भी अगर ऐसी ललक, ऐसी तड़प अगर है तो सत्य वहीं गौरवान्वित होता है। और फिर एक और बात कही, सभासदों के मुखातिब होते हुए, पूरी जनता को अपने सामने रखते हुए, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिमाग से यह बात निकाल देना कि हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी कोई साधारण इंसान है, ये पहले भी राजा रह चुके हैं, राज्य का त्याग करके तपस्वी बने। मैं तो केवल राजा ही रहा, मैं तपस्वी नहीं बन पाया। और आपको एक साथ क्षत्रिय की ताकत और तपस्वी की अंतर्दृष्टि, ये वो तपस्वी हैं जिनके पास अंदर की आंखें हैं, जो किसी के भी दर्द को देख सकते हैं। और देखो तो सही, क्या तेज है चेहरे पर, क्या आंखों में गहराई है। वो भावुकता में बोलने लगे। विश्वामित्र ने सोचा, लगता मेरा मजाक बना रहा है, हाँ, क्योंकि जिसकी खोपड़ी में कोई गलत चीज हो तो गलत ही सोच सकता है, क्योंकि दूसरे को अपने जैसे ही समझता है। हरिश्चंद्र ने सरल भाव से कहा, किंतु ऋषि जी भड़के, हुआ व्यंग का भास व्यर्थ ही, वो घन विद्युत से कड़के। अरे व्यर्थ की बात न कर, क्या रखा है इन बातों में, मैं भी समझ रहा हूं जो कुछ छुपा रहा है घातों में। चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले, राज्य दान कर क्या लेगा,
करुणावश होकर कहता हूं, गर्व तुझे क्षय कर देगा। कहा कि हरिश्चंद बात मत बना, ये तेरी मीठी मीठी बातों के पीछे कितना जहर है वो मैं जानता हूं। देखो कमाल है, एक गृहस्थी होकर के भी हरिश्चंद्र के पास अंतर्दृष्टि है, वो आत्मा का गुण देख रहा है, और एक तपस्वी होते हुए विश्वामित्र भी किसी की सरलता को देख नहीं पा रहे। इसलिए तो कहता हूं, किसी के अंदर की बात को कोई सरल व्यक्ति ही समझ सकता है। कहा बात सुन, ये लोग सही बोल रहे हैं और मैं भी तुझे एक सुझाव दे रहा हूं, इन सब बातों को एक तरफ रख, एक बार पांव पकड़ ले, चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले, एक बार कह दे ना, मैं भी अपने घर जाऊं तू भी अपनी यहां रहे, मैं भी अपनी झोपड़ी में जाऊं तू अपनी राजगद्दी पर बैठ, एक बार कह दे, पांव पकड़ ले, माफी मांग ले, क्योंकि ये राज्य दान की जो तूने जिद पकड़ ली है, इस जिद को छोड़ दे, मैंने तो ऐसे ही चेक करना था कर लिया, मैं तेरे राज्य को छोड़ दूंगा, तू माफी मांग ले। उस वक्त क्या बोला, शांत भाव से हाथ जोड़ कर कहा, भूप ने है ऋषिवर, गर्व कपट का काम यहाँ क्या, स्वच्छ सरल हृदय अंतर, चरण पकड़ लो कोटि बार में किंतु क्षमा की क्या भिक्षा, झूठ बोल कर खुश करने की मिली नहीं मुझको शिक्षा। अब तो राज मुकुट की उपधा चरणों में लेनी होगी, सेवक को कर्तव्य भार से छुट्टी दे देनी होगी। कहा कि एक बार गुरुदेव अपने बच्चे का दिल देख लो, चलो नहीं देखते कोई बात नहीं, रही चरण पकड़ने की बात, मैं हजारों बार आपके चरण पकड़ सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन माफी मांगने की जो बात है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हो, जितने बार कहो मैं उतने बार चरण पकड़ सकता हूं, लेकिन ये माफी मांगने वाली कौन सी बात है, जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी तो फिर माफी किस बात की मांग, जब गलती ही नहीं है कोई मेरी, केवल आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल दूं, ये मेरा जमीर इजाजत नहीं देता, क्यों मेरे से झूठ बुलवा रहे हो गुरुदेव, आप तो स्वयं कहते हो कि हर स्थिति में अपने सत्य की पालना करो, और आप कह रहे हो मैं झूठ बोलूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। गुरुदेव आपसे एक विनती है, ये राज्य की उपधा अपने चरणों में स्वीकार करें और मुझे इस कर्तव्य भार से मुक्त करें, बस और कुछ नहीं चाहता हूं। सोच में पड़ गया, सोचते सोचते बोला, चल अच्छा तोला क्या देता है। देखो दान लेने का तरीका, देखो ऐसे ले रहा दान जैसे कोई एहसान कर रहा हो। अच्छा तोला क्या देता है, देखूं कैसा दानी है, देने को ना एक कौड़ी, बस खाली अकड़ दिखानी है। हरिश्चंद्र ने हंसते खिलते भूमि पिंड ऋषि के कर में देकर कहा, आज से सारा राज्य आपके श्री कर में। ला दान करने का ढोंग रचरा ढोंगी कहीं का, फिर भी ताना मारने से बाज, क्योंकि दिल सरल नहीं है ना, वो सोच नहीं सकता कि आज मुझे इसके आगे, क्योंकि मांगने के लिए तो हाथ तो नीचे ही लाना पड़ेगा। आज भी ये दाता बन गया, क्योंकि ये यूं रहेगा और मैं
क्या देखता हूं क्या देता है, क्या तेरे पास देने को जो मुझे देगा, ला क्या देता है। इतने कटु वचने सुनने के बावजूद भी हंसते खिलते मुस्कुराते आगे बढ़े और कहा, पकड़ी चरणों में रख दिया है मिट्टी का पिंड, जल की झारी और मुकुट, और कहा आज से सारा राज्य आपका हुआ। इतना होते ही जितनी वहां जनता खड़ी थी सब बोलने लगे, दानवीर हरिश्चंद्र की जय हो, दानवीर महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। क्योंकि भाई दानवीर की जय बोली जाएगी, भिखारियों की तो कोई जय बोली जाती नहीं। जब लोगों ने सारा मंडप गुजा दिया जयकारों से, विश्वामित्र ने कान में उंगली डाली, आखिर जय जयकार इसी की हुई है। अब क्या करता बेचारा, आशीर्वाद तो देना ही था। देखो आशीर्वाद भी कितने मरे दिल से दे रहा है, सुनो। कौशिक ने संकल्प ग्रहण कर स्वस्ति कहा लज्जित मुख से, अखिल सभा में सभी और अति नीरवता छाई दुख से। जब कौशिक ने वो राज्य ले लिया फिर बोलना तो पड़ेगा ना, तेरा कल्याण हो, स्वस्ति तेरा कल्याण हो, ये नहीं हंस करके बोला तेरा कल्याण हो, क्योंकि बोलना पड़ता है। अगर कुछ लिया है तो उसका धन्यवाद, और कभी कभी तुम लोग भी कह देते हो थैंक्स ऊपर से, थैंक यू मुंह नीचे की तरफ, ऊपर से बोल रहे सामने वाले को थैंक यू। अरे कम से कम थैंक यू तो जरा हंस करके बोल दीजिए, कोई वक्त पर काम आया है आपका तो उसका धन्यवाद और उसका आभार हंसी और मुस्कुराहट के साथ कीजिए। पूरी सभा में नीरवता छा गई, पर लेकिन सभी के दिमाग सुन हो गए। विश्वामित्र का दिमाग चल रहा है, कहा कि कुछ करूं क्या करूं। क्रोध विचारों का नाशक है, सम्यक ज्ञान नहीं रहता, क्या होगा फल आगे इसका कुछ भी भान नहीं रहता। कौशिक का क्रोधानल प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, नृप का देख दान का साहस शुद्ध और हो जाता है। हरिश्चंद्र को नीचा दिखलाने के बस मन में ठानी, भूल भाल कर मुनि मर्यादा करते केवल मनमानी। राजन तव सर्वोच्च दान है, हुआ न ऐसा कभी कहीं, किंतु दान के योग्य दक्षिणा देने की क्यों कमी रही। क्रोध विचारों का नाशक है, सम्यक ज्ञान नहीं रहता। जब आदमी में क्रोध हो, चाहे आप में चाहे मेरे में, उस वक्त सम्यक ज्ञान, क्योंकि क्रोध में हम ना अच्छा सोचते हैं और ना ही अच्छा देखते हैं। क्रोध होते हुए अच्छा सोचे ऐसे कैसे हो सकता है, क्रोध रहते हुए सामने वाला हमें अच्छा दिखाई दे कैसे हो सकता है, ये नहीं होता। सामने वाला प्रेम में अच्छा दिखाई देता है, क्रोध में अच्छा नहीं दिखाई देता। इतना बड़ा दान देने के बावजूद भी विश्वामित्र को हरिश्चंद्र का यश, हरिश्चंद्र की इज्जत और हरिश्चंद्र का दान भी उसे सुहा नहीं रहा, अंदर आग लग गई। हाय क्या करूं। फिर बात बोली हरिश्चंद्र, बस कमाल कर दिया, देखो ऊपर से बोल रहा है हरिश्चंद्र कमाल कर दिया, वाह धन्य, मैंने अपने जीवन में तेरा जैसा दानवीर नहीं देखा। हां मैं ये सोच रहा हूं कि
कि इतना बड़ा दान देने के बाद दक्षिणा की क्या कमी रह गई। एक दक्षिणा भी तो देनी चाहिए ना, क्योंकि दान अगर एक माला है तो दो तनों को जोड़ने वाला और दो तनों के ऊपर जो सुमेरु पर्वत है, आपने देखा होगा ना, माला माला जब जुड़ती है, जब आपस में बंधती है तो ऊपर उसको हम सुमेरु कहते हैं, कि इतनी बड़ी दान की माला पर सुमेरु ना हो तो फिर सोने पे सुहागा नहीं होता। जब इतना तूने दान दे ही दिया है तो दक्षिणा भी दे दे। यहां सरल हृदय, मन में पाप नहीं है, केवल सरलता है। क्षमा करे मैं भूल गया था, क्या विलंब है अब लीजे, सचिव कोष से सहस स्वर्ण की मुद्रा ला ऋषि को दीजे। बस इसी का इंतजार कर रहा था वो, कहा कि गुरुदेव मैं भूल गया था, अभी लो मंत्री जी सरकार, गुरुदेव को 1000 स्वर्ण मुद्रे लाकर के दे दीजिए दक्षिणा में। बस इतना ही सुनना था, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला बेचारे को। किसको? ओ धन्यवाद क्या इसको ही कहते हैं राजश्री का दान, राज्य दे चुके फिर भी अटका हुआ कोष के ऊपर ध्यान। वाह हरिश्चंद, मान गया। अच्छा, ये जो तूने मिट्टी की झारी न मिट्टी का पिंड, जल की झारी और जो मुकुट तूने दिया है, ये सब चीज तूने मुझको दी, लेकिन लगता है अभी खजाना तूने मुझको दान में दिया नहीं। ओ मैंने तो सोचा था कि तूने सब कुछ दान दे दिया, लेकिन खजाना तो तूने बचा लिया बच्चे। अबे भोलेनाथ, जब राज्य का दान दे दिया तो जिसको तूने मंत्री कहा वो तेरा मंत्री नहीं है, और जिस खजाने से तूने 1000 स्वर्ण मुद्रा लाने की बोली है वो खजाना भी अब तेरा नहीं है। अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया, कहा कि गुरुजी गलती हो गई, मैं स्वीकार करता हूं इसको, पर लेकिन मैंने बोल दिया है तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। मैंने जब बोल दिया है तो अब मैं कहीं से भी दूं, कैसे भी दूं, लेकिन आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। है? कैसे देगा? नुके जी कल बताऊंगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए,
दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए हो। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गले। आप सभी के लिए एक सूचना दे रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि श्रुत देव की आराधना चल रही है, उत्तराधन सूत्र की वांछना चल रही है, इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है, ताकि आप, ये एक अनुष्ठान है, आपसे एक विनम्र मेरी विनती है कि आपको समय पर आना है यहाँ। ऐसा नहीं कि जैसे आम कथा में आप आते हो, अनुष्ठान में कभी आम कथा के समय नहीं आते हैं, अनुष्ठान का जो समय निश्चित किया गया है उसमें आना जरूरी है। क्योंकि पुच्छिष्णु का पाठ, यानी स्वयं सुधर्मा स्वामी ने अपने भगवान महावीर स्वामी के लिए जो गीत गाया है सुधर्मा स्वामी ने, पुच्छिष्णु एक महाप्रभावीशाली स्तुति है, विरुत्थुई उसको हम बोलते हैं, तो उसका आनंद आपको सभा के प्रारंभ में लेना चाहिए, और उस आनंद को लेने के लिए आपको समय पर आना ही चाहिए। मेरी विनती है, अगर गौर कर सको, अनुष्ठान में समय पर आना बहुत जरूरी है, और इस अनुष्ठान को आगे तक जीवित रखने के लिए एक काम जरूर कीजिएगा। जिनको लोगस का पाठ आता है वो कम से कम 27 बार लोगस का ध्यान अवश्य कीजिएगा, चाहे आप घर जाके करें चाहे शाम तक करें। कितना? 27 बार लोगस का ध्यान अवश्य करना है। और जिनको लोगस का पाठ आता ही नहीं है वो कम से कम 5 माला सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु की माला अवश्य फेरनी है। दूसरा पाठ कि आपको कम से कम 11 बार नमोथुनम का पाठ विधि सहित, यानी अपने उल्टा जानू उठा करके, मतलब 11 बार नमोथुनम का पाठ अवश्य पढ़ना है आपको। और अगर आप नमोथुनम का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, याता नहीं है, तो कम से कम नमो जिनानम जिये भयानम कि आपको 5 माला अवश्य करनी, ताकि आपको ये लगा रहे कि मैं एक विशेष अनुष्ठान से जुड़ा हुआ हूं। एक पूरा, ये बहुत पवित्र दिन चल रहे हैं और इन दिनों की महत्ता है, क्योंकि एक श्रुत देव की आराधना चल रही है, और आप इसको ऐसे ही ना लीजिए, इसको कंसंट्रेशन देते हुए, इसको एक दृष्टि में समाते हुए इसका सम्मान अवश्य कीजिएगा। तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस विनम्र विनती पर आप अवश्य बोलो ध्यान देंगे, और समय पर, और समय कौन सा है? वैसे तो 9:15 का है, लेकिन अगर आप 9 बजे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आनंद आएगा उनको भी और आपको भी आनंद आएगा। ओम शांति। कल